वेलकम बैक क्लास सेवेंथ। एक्सरसाइज 3C चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए देखिए क्या कहता है। -3 1/9 -8 आप देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 × 3 = 27 +1 = 28 by 9 -8/1। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसमें हम डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू बन गई हमारी -28/9 -28/9 -8/1। एलसीएम ले लेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है। 9 और 1 में एलसीएम आया हमारे पास 9। ये 1 टाइम रहा तो ये हो गया -28 और 8 9 ये हो गया हमारा 72, ठीक है। आप देखिए माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा। 8 + 2 = 10 7 + 2 + 1 = 100 साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, 72 माइनस का है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। -100/9 हो गया हमारा। आप देखिए 9 से डिवाइड किया हमने, 9 × 11 हो गया 99, तो 11 टाइम्स तो कोशेंट हो गया, 1 रिमाइंडर बचा अपॉन 9 और ये बना माइनस का 11 1/9। पार्ट बी देखेंगे। -6/7 +-5/11 इस तरह से दिया हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, -6/7 ±- लिख दीजिए या तो डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम इसे माइनस कर लेंगे या फिर प्लस ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सॉल्व करने में सेम चीज चलेगी, चाहे प्लस ऐसे रखें हम या ना रखें, ठीक है। फाइनली होगा तो वो माइनस ही, क्लियर। अब देखिए 7 और 11 एलसीएम क्या बनेगा, 77। एलसीएम क्या बनेगा हमारा, 77। तो ये हुआ -6 × 11 और ये बना 5 × 7। कैसे हुआ, 7 को डिवाइड किया 77 से 11 टाइम्स, 11 × 6 कर दिया, -6 कर दिया, ठीक है। इसको डिवाइड किया 7 टाइम्स, गया 7 × 5 कर दिया, ये हो गया -66 और ये हो गया -35, क्लियर। और नीचे हमारा चल रहा है 77। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये हो गया 11 101 अपॉन 77 और निशान किसका आएगा, माइनस का, 101 अपॉन -101 अपॉन 77, ठीक है। 77 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 77 - 101 - 77 हुआ तो कितना बचा, 24, ठीक है। ये हो गया 1 = 24/77, ठीक है, क्लियर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 18/25 - 17/50। What it is? 17 by 50, ठीक है। देखिए एलसीएम लिया 50, ठीक है।
दोनों का एलसीएम लिया 50, 25 को डिवाइड किया 50 से 2 टाइम, तो 18 इंटू 2 माइनस 50, तो 1 टाइम 17 इंटू 1, यू गया 36 माइनस 17 अपॉन 50, 19 अपॉन 50, ठीक है, 19 अपॉन 50 हो गया हमारा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, 4/9 माइनस 7/9, ओके, 4/9 या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7/9। अब जब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लिया 4+7 कितना हो गया, 9/11/9 हो गया, 11/9 को कन्वर्ट किया हमने डिवाइड करके, तो क्या बचा 1/2/9, क्या बना 1/2/9, थ्री बाय फोर माइनस माइनस 2/9 प्लस माइनस 5/18। आप देखिए आपको इसमें थ्री डिजिट दे रखे हैं, 3/4 माइनस माइनस 2/9 प्लस माइनस 5/18। मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है माइनस वाली वैल्यूज को, ठीक है। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3/4 एज इट इज लिखा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2/9, राइट, प्लस माइनस ये क्या हो गया माइनस 5/18, क्लियर। प्लस माइनस वैल्यूज चेंज की, ठीक है, 9, 4 और 18 तीनों का हम एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा 9, 4 एंड 18 का एलसीएम, एटीन और 9 का तो हो गया 36, इसका भी हो गया 36, नाइन इंटू 4 36 हो गया, ठीक है। 4 को डिवाइड करेंगे 36 से, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स, 9 इंटू किया 3, कितना टाइम गया 9 टाइम्स, 9 इंटू 3 किया 27, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। 9 को 36 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8, ठीक है। फिर यहां पर साइन कौन सा है माइनस का, 2 टाइम्स 5 इंटू 2 10, ठीक है। आप देखिए 27 प्लस 8 किया कितना हो गया 35 हो गया, माइनस 10 करेंगे तो 25/36 इज आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एफ, द क्वेश्चन इज माइनस 2/3 माइनस 5/9, ठीक है, क्या बनाइए 9, देखिए डिवाइड किया 3 टाइम्स,
3 को 2 से डिवाइड किया, माइनस 6, या माइनस का साइन लगा दिया, 9 वन टाइम 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का। आप देखिए इसको फिर से डिवाइड किया 11 से, वन टाइम गया 2 हमारा बचा रिमाइंडर और 9 हमारी वैल्यू, माइनस 1 2/9 इज द आंसर। क्लियर, ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का, ठीक है, किसी में ऐड किया गया है किसी में सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है आपको, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ओ सॉरी पार्ट ए, 7/6 इंटू -3/28, ठीक है, देखिए 7/6 इंटू -3/28 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए 7 से 28 कट हो गया, ये वन टाइम ये फोर टाइम, ठीक है, ये माइनस वन और ये टू, ठीक है, अब क्या बचा, 1 इंटू -1 एंड 2 इंटू 4, यही बचा ना, 1 इंटू -1 क्या हो गया -1, 4 इंटू 2 8, -1/8 इज द आंसर। नेक्स्ट इज -11/3 -9/55, ऐसे है ना, -11/3 -9/55, राइट। आप देखिए -11/3 इंटू -9/55, आप देखिए दोनों वैल्यूज कट हो रही है, 11 और 55 कट हो रहा है, 3 और 9 कट हो रहा है, जब मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तभी हम इधर इधर कटिंग कर सकते हैं, वरना एक दूसरे ऊपर नीचे ही कट होगा ओनली वैल्यूज। 11 ये हो गया -1 और ये हो गया 5, 11 5 का 55, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस का 3, तो वैल्यू क्या आई, -1/1 इंटू -3/5, ये हो गया 3/5, -1 इंटू -3 क्या हो गया प्लस का 3, और 5 इंटू 1 क्या हो गया, 5 इंटू 1 हो गया हमारा 5, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 3/5। अब ऊपर वाली वैल्यू छोटी है इसलिए हमने फर्दर डिवाइड नहीं किया, अगर ये बड़ा होता वैल्यू, इससे बड़ी होती ये वैल्यू, तो हम फिर से डिवाइड कर लेते, अब यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, ओके, क्वेश्चन नंबर सी सेज -3/5 इंटू 4/7, आप देखिए यहां पर कुछ भी कट नहीं हो रहा, ना ये कट हो रहा है, ना ये कट हो रहा है, ना इससे ये कट हो रहा है, ना इससे ये कट हो रहा है, तो हमारा हो गया -3 × 4 5 × 7, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया माइनस का 12 और ये हो गया 35, डायरेक्ट हो गया ये आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी इज -7/8 इंटू -24, -7/8 इंटू -24, आप देखिए जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती हम उसे नीचे 1 मान सकते हैं, ये 8 से कट गया -3 टाइम्स,
माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री एट इंटू वन। ऐसे सॉल्व होगा ना, माइनस सेवन माइनस थ्री हो गया प्लस का ट्वेंटी वन, एट इंटू वन हो गया एट। अब एट को डिवाइड कर, ट्वेंटी वन को डिवाइड करेंगे हम एट से, ट्वेंटी वन को डिवाइड करेंगे एट से, सॉरी यहाँ तो वन ही रह गया ना, वन इंटू वन। तो ये क्या बचा, 21 इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। माइनस थ्री बाय टेन इंटू थर्टी। कैसे लिखेंगे, माइनस थ्री बाय टेन इंटू थर्टी अपॉन वन। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस थ्री इंटू थ्री वन इंटू वन, माइनस नाइन अपॉन वन, माइनस नाइन इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर एफ, माइनस फाइव बाय नाइन इंटू सिक्सटी थ्री अपॉन माइनस ट्वेंटी फाइव। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस फाइव बाय नाइन इंटू, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, जरूरी नहीं है माइनस ऊपर लेके जाना, फिर भी ले जाते हैं, ठीक है। नाइन और सिक्सटी थ्री, सेवन नाइन सा 63 कट हो गया, ये वन टाइम, ये माइनस सेवन टाइम, ठीक है, माइनस ये रहा सेवन ये रहा, ये माइनस वन और ये फाइव टाइम्स, क्या बचा, माइनस वन अपॉन वन इंटू माइनस सेवन अपॉन फाइव। क्या बना, माइनस वन इंटू माइनस सेवन प्लस का सेवन, फाइव इंटू वन फाइव, डिवाइड किया तो फाइव टू अपॉन फाइव, वन टू अपॉन फाइव। क्लियर? ये प्लस का सेवन है। प्लस का सेवन अपॉन फाइव। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। माइनस फाइव बाय सेवन डिवाइडेड बाय माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी एट, ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखिए जब भी डिवाइड का साइन आता है मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, पीछे वाले नंबर को इन्वर्स कर देते हैं, यही सिखाया था मैंने आपको। तो लिखेंगे माइनस फाइव बाय सेवन, ये एज इट इज, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे इन्वर्स, 28 बाय माइनस का 15। आप देखिए माइनस फाइव बाय सेवन इंटू 28 बाय माइनस 15, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फाइव थ्री टाइम्स, ये वन, ये सेवन, फोर था, ये क्या हो गया, वन अपॉन वन इंटू फोर अपॉन थ्री, तो क्या बना ये, फोर अपॉन थ्री, क्या बना, फोर अपॉन थ्री में डिवाइड करेंगे तो वन, वन अपॉन थ्री आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, माइनस ट्वेल्व बाय फाइव डिवाइड बाय थ्री बाय फाइव। माइनस ट्वेल्व बाय फाइव डिवाइडेड बाय थ्री बाय फाइव,
ठीक है, फिर से डिवाइड का साइन आ रहा है, क्या करेंगे, आगे वाली वैल्यू एज इट इज लिखी, डिवाइड का कर दिया मल्टीप्लाई और वैल्यू को कर दिया इनवर्स, क्लियर, ठीक है। माइनस 12/5 इंटू 5/3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 12 कितने टाइम गया, 4 टाइम, क्या बचा माइनस का 4, वापस से दिखा देती हूँ, माइनस 4 इंटू 1, यहाँ सब 1 बचा, 1 इंटू 1, माइनस 4 अपॉन 1, क्या बना माइनस 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, 3/13 डिवाइडेड बाय 4/65 ठीक है, 3/13 ये एज इट इज लिखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और यहां पर वैल्यू हो गई इंटरचेंज, 65 ऊपर चला गया, माइनस 4 आ गया नीचे, आप देखिए 3/13 इंटू 65/-4 क्या बना, 13 से ये 65 कट गया 5 टाइम्स, ठीक है, तो 3 इंटू 5 1 इंटू माइनस 4, ये बना माइनस 4 और ये बना 15, 4 3 12, 3 टाइम्स गया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, ठीक है, कितना बचा 12, 15 माइनस 12 3/4, ठीक है, माइनस 3/4 इज द आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर डी, -7/8 इंटू -24, सॉरी 0/-7/5, 0/-7/5 आप देखिए वैल्यू ये गिवन है, 0 एज इट इज, डिवाइडेड को हमने मल्टीप्लाई बना दिया और ये हो गया 5/-7। अब आप जानते हैं 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है, तो ये हो गया 0। -8/2/3 ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, -8/1 डिवाइड का किया इंटू, 3 गया ऊपर 2 गया नीचे, -8/1 इंटू 3/2, 2 वन टाइम, ये 4 टाइम, तो क्या हो गया -4, -4 इंटू 3 1 इंटू 1, ये हो गया -12/1, -12 इज द आंसर, ठीक है। -1/8/3/4 -1/8/3/4 -1/8 डिवाइड की जगह लगाया इंटू, यहाँ किया इनवर्स 4/3, आप देखिए -1/8 इंटू 4/3, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, 4 से कटो, 4 से कटो गया 1/2, क्या बचा -1 इंटू 1, 2 इंटू 3, -1/3 इंटू 2 6, -1/6 इज द आंसर, ये हो गया क्वेश्चन पूरा सॉल्व, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज सी।
कंप्लीट, क्लियर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके आगे हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।